हैदराबाद और उन्नाव रेप कांड के बाद अब बेटियों के साथ दरिंदगी की खबर महाराष्ट्र के नागपुर से आई है, जहां पर 32 साल के शख्स ने मासूम को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, जब नाकाम रहा तो मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। शहर शहर में हैवान, महाराष्ट्र में भी बेटियां नहीं है सुरक्षित, हर पल मौत से लड़ रही हैं बेटियां। अभी हैदराबाद उन्नाव के जख्म भी भरे नहीं थे कि एक और वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। घटना महाराष्ट्र के नागपुर की है। बालेश्वर इलाके में एक 32 साल के शख्स ने रेप में नाकाम होने पर 5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जनता सड़कों पर उतर आई है और जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रही है। महाराष्ट्र के लोगों की सरकार से मांग है कि जिस तरह हैदराबाद के दिशा के गुनहगारों को सजा मिली, उसी तरह की सजा इस शख्स को भी दी जाए। 5 साल की लड़की के साथ जो दुष्कर्म जिस व्यक्ति ने भी किया हो, उस व्यक्ति का हम सभी कलमेश्वर वासियों की तरफ से हम यहाँ निषेध करते हैं। और जो 10 दिन पहले हमारी जो बहन जो हुआ और उसके 10 दिन के बाद उसको जो न्याय मिला, जिस स्वरूप का न्याय था, जो कुछ भी हो हमने एनकाउंटर करते हुए देखा नहीं, लेकिन जब हमने न्यूज चैनल देखा तब हमें पता चला कि 4 आरोपियों को एनकाउंटर के तौर पे मारा गया है। इसी धरती के तौर पर हम यही चाहते हैं कि कलमेश्वर में जो हत्याकांड हुआ है, जो बलात्कार हुआ है हमारी बच्ची के साथ में, उस संजय देवराव पुरी को, उस नराधम को कड़ी से कड़ी सजा आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से करना चाहूंगा। और नहीं उनसे जमता तो यहाँ एनकाउंटर करो, नहीं तो कलमेश्वर वासी के जनता के हवाले उनके कर को हम उन्हें क्या सजा देना चाहते हैं, हमने सबने तय कर लिया है। मेरी मांग ऐसी है कि कलमेश्वर तालुका के अंदर पहली बार ऐसी घटना हुई है और इतनी घिनौनी घटना हुई है कि इसका शर्मसार करने लायक घटना हुई है। ये हम लोग पूरे कलमेश्वर नगर के लोग, कलमेश्वर तालुका के लोग पूरी डिमांड करते हैं कि आरोपियों का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा हैदराबाद में हैदराबाद कांड हुआ है, उन्नावा कांड हुआ है, पूरे भारत देश के अंदर ऐसे कांड हो रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉक फॉक्स होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। घटना के बाद पुलिस प्रशासन सख्ती में है, केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या बेटियां हमारे समाज में अभिशाप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।